वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यूरिया खाद को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर खाद की कमी दिखाने का प्रयास कर रही है, खाद का सही वितरण नहीं किया जा रहा। रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वाला माफिया सक्रिय है। साथ ही साथ पूर्व सीएम ने सरकार से कई सवाल पूछे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है जो किसान की हितैषी तो बनती है, लेकिन 2.5 साल में किसानों के साथ छल किया गया, रकबा कम किया गया, धान खरीदी के लिए उनको रुलाया गया। और आज ये कह सकता हूँ कि पहले वादा कुछ किया था और उस वादे के अनुरूप काम नहीं किया। इस प्रकार इस 2.5 साल में किसानों को छलने का काम किया और अब तो ये स्थिति है कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख के केंद्र पे आरोप लगाकर और अपन आरोप से मुक्त हो जाएं, ये प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी अक्षमता और असफलता छुपाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है।